तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है 18,000 पदों पर अब नहीं होगी कोई भी भर्ती। बुरी खबर इस वक्त की 2023 की जो है सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। जी हां, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं। इसमें अगर हम बात करें शिक्षक के, हॉस्टल वार्डन के, आमीन पटवारी के, ADO के, CFNDF के, RI के, सहकारिता विभाग, ट्रैफिक पुलिस, जेल प्रहरी, वन विभाग, इन सभी विभागों में जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भर्ती जो है वैकेंसी जो होने वाली थी वो नहीं होगा। क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या ये खबर सही है या फिर नहीं? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रा से भी कोई भी बात नहीं है। ये मत समझो कि वैकेंसीज नहीं होने वाली या भर्तियाँ निकल कर नहीं आने वाली। डेफिनेटली आप लोगों के लिए वैकेंसीज होगा, डेफिनेटली आप लोगों के लिए नए भर्ती जो है वैकेंसी जो है अपडेट होने वाला है। जिसमें अगर हम बात करें सबसे बड़ी भर्ती, अगर हम शिक्षक के ही बात करें तो इस समय शिक्षक भर्ती परीक्षाएं की चर्चा जो है जोरों शोरों से है। तो शिक्षक बनने के लिए आपका जो है सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ आपका जो है 1 ईयर्स का जो है जो 2 साल का कंप्यूटर से BEd होना चाहिए, सॉरी BEd होना चाहिए 2 वर्ष का, या फिर आपने जो है DLED किया वो होना चाहिए। और इसके साथ आपका जो है टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। या टेट जो है 2 तरह से, एक तो CGTET और दूसरा CTET, दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाइड हो चुका है तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। आप आराम से इसके लिए डेफिनेटली आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ हॉस्टल वार्डन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन के भी आप लोगों के लिए 300 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि तैयारी अच्छे से कीजिए। और मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से जेन्युइन जो है मेहनत करते हैं, अच्छे से अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेट है कि आपको सफलता मिल पाएगी, डेफिनेट है कि इसमें आपको कामयाबी मिल पाएगा, आपको सफलता जो है देखने को मिलेगा। बस कोशिश ही मेन इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा आपका कोशिश होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, कामयाबी दिन सफलता भी उतना ही मिल पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।